आखिर फोन के अंदर जो कैमरा होता है वो स्लो मोशन वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर पाता है, और ये स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का जो फीचर है ना, ये आपको हर फोन के कैमरा के अंदर देखने को क्यों नहीं मिलता है, तो इसी को आज हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर स्लो मोशन क्या होता है। तो नॉर्मल वीडियो को स्लो में देखना ही स्लो मोशन होता है, लेकिन इसके लिए आपको हाई FPS पे वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि आपको हाई फ्रेम्स पर सेकंड में वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो वीडियो रहता है ना वो कई सारी फ्रेम्स यानी कि कई सारी स्टिल इमेजेस से लेके बनाया जाता है, और इसे ही हम फ्रेम रेट कहते हैं, जैसे कि 120 FPS यानी कि 120 फ्रेम्स एक सेकंड के अंदर, 240 FPS जिसे कहा जाता है 240 फ्रेम्स एक सेकंड के अंदर, और फिर होता है 480 FPS, और इसके बाद सुपर स्लो मोशन यानी कि 960 FPS। और जब इस फ्रेम रेट पे वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है तो वो हाई स्पीड में रिकॉर्ड होता है, और जब दोबारा से उसे 30 FPS जो नॉर्मल प्लेबैक की जो स्पीड होती है किसी वीडियो की, जब उस पे चलाया जाता है ना, तो आपको स्लो मोशन देखने को मिलता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो 120 FPS के वीडियो को अगर आप नॉर्मल 30 FPS पे चलाओगे ना, तो वो वीडियो 4 टाइम्स ज्यादा स्लो हो जाएगा, और अगर हमने नॉर्मल वीडियो 30 FPS का अगर हम उसे डायरेक्टली ही स्लो कर देना, तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 24 फ्रेम के नीचे अगर आप कुछ भी देखते हो ना तो वो इतना ज्यादा स्मूथ नहीं होता। तो अब बात आती है कि आखिर इस चीज को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो जो पहले के कैमरा होते थे जिनमें रोल लगती थी, और उन पुराने फिल्म कैमरास में जब भी स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड करना होता था ना, तो जो फिल्म की जो रोल थी ना उसे ज्यादा स्पीड पे चला दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि अगर उस पे 2 times स्लो मोशन देना है तो उसको दुगनी स्पीड पे चला दो, और अगर उसमें 3 times स्लो मोशन देना है तो उसे 3 times की स्पीड पे चला दो, और जब उसको जब प्लेबैक करोगे ना तो उसे नॉर्मल स्पीड पे करो। तो इस तरीके से स्लो मोशन जो है ना वो रिकॉर्ड किया जाता था पुराने जमाने के कैमरास के अंदर। लेकिन आज की डेट में जो मॉडर्न कैमरास आते हैं ना, उनमें ऐसा नहीं होता है, वो काफी ज्यादा एडवांस है और उनके अंदर कोई रोल वगैरह नहीं होती है, और वो नॉर्मल वीडियो को भी डिजिटल फोटोग्राफ के तरीके से ही रिकॉर्ड करते हैं। सीधी बात है कि अगर उसे 30 फ्रेम्स पर सेकंड का अगर वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो वो एक सेकंड में 30 फोटोग्राफ्स को कैप्चर करेगा और उसको एक वीडियो फाइल में बनाएगा, और जब उसे 120 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड करना है तो वो एक सेकंड में 120 फोटोग्राफ्स को कैप्चर करेगा, और जब उसे प्ले करने का वक्त आएगा तब उसे 30 FPS पर प्ले करेगा। तो इस तरीके से डिजिटल कैमरा के अंदर स्लो मोशन होता है। और जो स्मार्टफोन्स है ना उनके अंदर भी सिमिलर कंसेप्ट है, फोन के अंदर भी एक सेकंड में जो कैमरा है वो ज्यादा फोटो लेता है और उसे बाद में 30 FPS पे चलाया जाता है, जिसे एक्चुअली में स्लो मोशन कहते हैं। तो बेसिकली स्लो मोशन वीडियो को तो हर कैमरा इस तरीके से रिकॉर्ड करता है, लेकिन इस चीज में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे कि जो फोन रहता है ना उसका सेंसर का साइज छोटा रहता है। इसका मतलब ये है कि जो फोन का कैमरा है वो कम लाइट को कैप्चर करेगा, और जब वो कम लाइट को कैप्चर करेगा तो उसकी जो क्वालिटी इमेज की वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, और अगर आप मोबाइल फोन के कैमरा का यूज अगर इंडोर लाइट में कर रहे हो स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो उसमें आपको फ्लिकरिंग दिखाई देगी। अब फ्लिकरिंग अब इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है 50 Hz पे। इसका मतलब ये है कि आपका जो लाइट का जो बल्ब है ना वो एक सेकेंड में 50 बार चालू बंद होता है, और जब भी फ्रेम रेट 50 से ज्यादा हो जाता है ना, तो इस चीज की जो फ्लिकरिंग होती है ना वो कैमरा कैप्चर करने लगता है। तो ये कुछ दिक्कतें होती है कभी कभी स्लो मोशन के साथ। और देखा जाए तो फोन के अंदर जो हार्डवेयर है ना वो भी इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो एक सेकेंड में इतनी ज्यादा फोटोग्राफ्स को क्लिक कर सके और सारी हाई क्वालिटी इमेजेस को क्लिक कर सके। उसका जो अपर्चर और जो सेंसर का जो साइज है ना वो भी काफी अच्छा होना चाहिए, ताकि थोड़ी अच्छी क्वालिटी का वीडियो हाई फ्रेम स्पीड में रिकॉर्ड किया जा सके। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी और उस पर हाई FPS का वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना, तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा काला देखने को मिलेगा, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। और इसके साथ ही फोन के प्रोसेसर में जो ISP होता है ना, जिसे इमेज सिग्नल प्रोसेसर कहते हैं, उसे भी पावरफुल होना चाहिए। अब उसे इसलिए पावरफुल होना चाहिए क्योंकि एक सेकंड में फोन लगभग 120 से 240 या 480 फोटोग्राफ्स को लेगा, और इतनी सारी फोटोग्राफ्स को उसे प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए फोन के प्रोसेसर में जो ISP लगा है ना वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, ताकि वो इतनी सारी इमेजेस को प्रोसेस कर सके। इसके अलावा स्टोरेज भी जो फोन के अंदर लगा वो भी फास्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप इतनी सारी इमेजेस को कैप्चर कर रहे हो एक सेकंड में, तो जब आप एक थोड़ा लंबा वीडियो बनाओगे ना कुछ सेकंड का या एक मिनट का, तब उसके अंदर कई सारी फोटोग्राफ्स, उसका साइज भी काफी ज्यादा होगा, तो उसके फोन की मेमोरी में स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज है ना उसकी स्पीड को भी ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा, नहीं तो वो हाई FPS का वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा। और इसलिए जो हाई स्पीड स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का जो फीचर है ना, ये आपको बजट फोन्स में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उन फोन्स के अंदर जो प्रोसेसर है वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता, ना ही उन फोन्स के अंदर स्टोरेज इतनी ज्यादा फास्ट होती है। और कुछ फोन्स के अंदर आपको 60 FPS या फिर 120 FPS का स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन जो 240 FPS है, 480 FPS या फिर 960 FPS है ना, ये सारी चीजें आपको महंगे फोन्स में देखने को मिलती है, क्योंकि इनमें आपको ज्यादा फास्ट स्टोरेज और ज्यादा फास्ट प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोगों ने कभी स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड करा है कि नहीं, ये बात नीचे कमेंट में बताओ, और ये भी बताना कि अगर कभी स्लो मोशन में वीडियो बनाया है तो किस FPS पे बनाया है। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।